किसका है कश्मीर? केवल उसका जिसने उस मिट्टी पर जन्म लिया, या एक छोटा सा हिस्सा उसका भी है जिसने उस मिट्टी को अपने लहू से सींचा? जुनून तो उसके सर पर शुरू से बैठा रहता। अक्सर वो बोला करता था, बोला जब भी जाऊंगा मैं अकेले तो जाऊंगा नहीं, मैं 10-1 को लेके ही जाऊंगा। वो फ्रॉम द फ्रंट खुद लीड करते थे, मिसाल सेट करते थे। कोई उसका नाम और उसके नाम से जानता है कि पैरा वाला एक ही बंदा था जिसने 10-11 आतंकवादियों को मारा करके। वो इतना रॉयल लड़का था ना, किसी काम के लिए कह दो कभी मना नहीं करेगा और पूरा करके आएगा। माना 1.5 महीने से फोन का संपर्क अधूरा है, अपनों से मिलने का सिलसिला टूटा है, पर उनका क्या जो इसी भूमि की रक्षा के लिए कभी लौट के घर नहीं आए। उनको चोट लगी थी, बहुत घायल हो गए थे, उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही थी और ये पत्थरबाज गाड़ी को जाने नहीं दे रहे थे। तो कहता था मम्मी मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तो तेरे को चिंता क्यों हो रही। एक प्रकार से मुझे दुख हो रहा था कि मेरे भाई चले गया, एक प्रकार से मुझे गर्व हो रहा था कि अगर गया भी तो बहुत अच्छा काम करके गया, देश के लिए कुछ ना कुछ करके गया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहादुरी भी अजीब चीज होती है, कहते हैं किसी के सामने खतरा आता है तो वो खुद ब खुद उससे मुकाबला कर लेता है, लेकिन उनका क्या जो दूसरों के लिए खतरा मोल लेते हैं, खतरे से लड़ते हैं, उसे हराते हैं। आज वंदे मातरम में हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की, एक ऐसे वीर जिन्होंने 11 दिनों के अंदर 10 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। उसने कभी ना बोलना नहीं सीखा, चाहे सामने स्वयं असंभव क्यों ना खड़ा। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने भी बार बार उसकी परीक्षा ली और वो नामुमकिन को मुमकिन करता गया। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बिंदु खत्ता नाम के एक गांव का साधारण सा लड़का, जो सैनिकों के एक ऐसे असाधारण खानदान का वारिस था जिसकी हर पीढ़ी ने सेना में रहकर देश सेवा की। पिता शंकरनाथ गोस्वामी सेना में हवलदार थे, चाचा 3 जंग लड़ चुके हैं, पिता के पिता, उनके पिता और उनके भी पिता सब सेना में रहे। मेरी परिवार हम ताऊ चाचा के हम सब एक दिन हम 13 परिवार आदमी थे फौज में ना, तो हमारी तो फौजी परिवार है सर। सो गोस्वामी ने भी शुरू से तय कर लिया था कि बनना है तो देश का सिपाही। 10th पास करते ही सेना में भर्ती की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, किसी न किसी कारण वो हर बार रिजेक्ट हो गए। एक एक कर 6 बार फौज ने उन्हें छांट दिया। पता नहीं मेरे को भी क्या हुआ, मैंने मना करा, मैंने बोला बेटा बहुत दौड़ गया, बहुत भाग गए, इतने तक कहीं दूसरी कोशिश कर। तो उसने अपने बाप को फटकाया, पिताजी बाप तो पलट ही जाता है, एक चांस हो ही गया था, हैं एक चांस छूट दे दो पिताजी, एक चांस छोड़ दिए तो। लेकिन उन्होंने तो जिद ठान ली, न तो वो अर्ध सैनिक बल का हिस्सा बनने को राजी थे, न कोई और नौकरी करने को, उन्हें तो केवल भारतीय सेना की वर्दी पहननी थी, भारत माता की सेवा करनी थी। और आखिरकार अपनी अंतिम कोशिश में मोहन नाथ गोस्वामी सेना के लिए चुन लिए गए। जब वो भर्ती हुआ तो वो ये बोल के गया कि मेरा लास्ट चांस है, इस भर्ती में मैं भर्ती हो गया, तो जुनून उसको बहुत ज्यादा था भर्ती होने का। वो क्या था, जब हम एक साथ आगे हाईस्कूल हमने एक साथ कराया, तो उसके बाद वो उसने कहा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, आर्मी में जाने का उसका चॉइस था पहले से ही। तो उसके बाद उसने काफ़ी भर्ती ट्राई करी, तो जिस भर्ती को उन्हें ट्राई करी वो लास्ट भर्ती, उसने कहा था मैं लास्ट भर्ती जा रहा हूँ, इसमें अगर मैं निकल गया तो ठीक है, इसके बाद मैं भर्ती ट्राई नहीं करूँगा। तो किस्मत ने भी उसका साथ दिया, उस भर्ती में वो ज्वाइन हो गया। गोस्वामी परिवार में सबसे छोटे थे, लेकिन जिम्मेदारियां उठाने में सबसे बड़े, पूरे घर का बोझ अकेले उठाते थे वो। पढ़ाई लिखाई में ठीक ही था,
जब से स्कूल लगाया तब से कभी फेल नहीं हुआ हैं। या पूरा पढ़ाई जो कैसी होती, पूरा घर का काम ठहरा हैं, पढ़ाई भी करी, गाय भैंस ठहरे, मतलब इधर उधर घास के लिए चले गए तो वही तो उसी ने तो देखा उनको, स्कूल भी गया घर भी देखा। घर पर भी मम्मी और हम तो तकलीफ में थे पिताजी, और हम तो उसके बाद जो मम्मी के साथ रह गए, हम मम्मी के साथ रह गए, काम के साथ पढ़ाई के साथ साथ काम में भी हाथ बढ़ाया करता था। जैसे कि अक्सर हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, हैं कुछ जानवर रखे हैं, तो इन चीज़ों में भी वो लगे रहता था। किसी भी व्यक्ति को आप जिम्मेदार बनने की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोई लड़का अगर 14-15 साल की उम्र में पूरे देश का बोझ उठाने की अपने मन में ठान ले तो फिर आप क्या कहेंगे। मोहननाथ गोस्वामी जब सैनिक के तौर पर प्रशिक्षण पा रहे थे तो उनके जो इंस्ट्रक्टर्स थे उनकी क्षमताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, केवल जोश ही नहीं, केवल जज्बा नहीं, गोस्वामी का देश प्रेम तो जुनून की हदों को पार करता था। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट में भर्ती की इच्छा जताई। उन्हें कमीशन किया गया 6 पैरा। पैराशूट रेजिमेंट वो फोर्स है जिसमें शामिल हो पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इन कमांडोज को वो काम सौंपा जाता है जो सबसे कठिन होता है। ये बेहद खुफिया टुकड़ी है जिन्हें हर उस मिशन पर भेजा जाता है जो होता है मिशन इम्पॉसिबल। नॉर्मल तो हम सब सैनिक हैं, सब योद्धा हैं, पर मैं कहूंगा ये अद्भुत योद्धा है जो कुछ भी करने की काबिलियत रखता है। इसकी जो ट्रेनिंग है इतनी आले दर्जे की ट्रेनिंग है कि आप सोच नहीं सकते कि जो नॉर्मल इंसान ये कहेगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं इसके शब्दकोश में नहीं है। सब कुछ मुमकिन है अगर आपने स्पेशल फोर्सेस को कोई टास्क दिया है। पैरा के कमांडोज की ट्रेनिंग कभी नहीं थमती, निरंतर जारी रहती है, कुछ इस तरह कि पैरा कमांडोज हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसी सर्वश्रेष्ठ दल का हिस्सा मोहननाथ गोस्वामी करियर की शुरुआत से रहे और 2015 तक लांस नायक बन गए। उन्हें अपनी यूनिट में एक तगड़े योद्धा की पहचान मिल चुकी थी जो जमीन से लेकर पहाड़ तक हर जगह लड़ने में सक्षम था। पर सेना में करीब 13 साल की नौकरी के बाद अब 2 साल में वो रिटायर होने वाले थे। बड़ी तोई थी सर उसको, वो छुट्टी आता था, बोलता था ताऊ जी यह है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, घर में आके स्टेडियम बनाऊँगा, स्कूल बनाऊँगा, अपना बच्चों को देश के उसमें भेजूँगा। बहुत अच्छा था सर, ऐसा लड़का तो कोई है ही नहीं। मोहननाथ गोस्वामी छुट्टियों पर अपने गांव गए थे, तभी उन्होंने अपने इस फ्यूचर प्लान की चर्चा की थी। अपने गांव के विकास के लिए ये उनका छोटा सा सपना था। बड़ी अजीब सी बात होती है, 32-33 साल की जो उम्र है उसमें कई लोग अपने करियर के शुरुआती दिनों में होते हैं, लेकिन भारतीय सेना का जो एक जवान होता है वो अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा होता है। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी 2015 में जब अपने घर गए थे तो वो इन्हीं तैयारियों में मसरूफ थे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। लेकिन उसी बीच 15 अगस्त को उनकी छुट्टियां खत्म हुई और वो वापस कश्मीर के लिए रवाना हो गए। अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में खलल डालने के लिए पाकिस्तान ने आदतन अपने पालतू आतंकवादियों की किश्त बढ़ा रखी थी, लिहाजा उन सबको पाकिस्तान से भी बुरी जगह यानी जहन्नुम पहुंचाने का जिम्मा उन दिनों 6 पैरा ने ही उठा रखा था। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जैसे ही छुट्टी से लौटे पहले ऑपरेशन के लिए निकल गए। 23 अगस्त को हंदवाड़ा के उस ऑपरेशन में 3 लश्करे तैयबा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस ऑपरेशन में
तीन आतंकवादी मारे गए, तीनों पाकिस्तानी थे और लश्कर ए तैयबा के वो सदस्य थे। ये जो तीनों मिलिटेंट ये जो मारा, इसमें मुख्य रोल क्या गोस्वामी ने। अगले ही दिन टुकड़ी को फिर तैयार रहने का फरमान दे दिया गया। आतंकियों का एक दस्ता जंगलों में कहीं छिपा था। जो ही लोकेशन का पता चलता, कमांडोज को निकलना होता। छब्बीस अगस्त की सुबह वो कॉल आ गई। पांच आतंकियों का ग्रुप राफियाबाद के घने जंगलों में आगे बढ़ रहा था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में एक मिलिटेंट ढेर हो चुका था, पर चार भाग गए थे। चंद मिनटों में असॉल्ट टीम ऑपरेशन के लिए तैयार थी। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें उस इलाके में एयर ड्रॉप कर दिया गया जहां मिलिटेंट्स को आखिरी बार देखा गया था। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और उनके साथी बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे थे। किसी भी चट्टान के पीछे, किसी भी पेड़ की ओट में आतंकी हो सकते थे। ऐसा भी हो सकता था कि आतंकी को सैनिकों के आने की आहट लग जाती और वो आक्रमण कर देते। आपको बिना कोई आवाज करते समय, मैं तो बोलता हूँ कोई हलचल न करते समय बैठना बहुत मुश्किल है। आप हलचल करोगे तो कोई भी पंछी उड़ सकते हैं, कोई भी जानवर दे आवाज कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल जैसे डेड बॉडी हो, बिल्कुल मृत शरीर हो, वैसे रहना पड़ता है। जब उधर उनको ड्रॉप किया गया, उसके बाद उन्होंने जब घेराबंदी की जहाँ पे ये मिलिटेंट ने फायर किया, उधर धीरे धीरे बिल्कुल मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्गम इलाका ऊंचाई का जहाँ पे इनको ड्रॉप किया गया, और ये गए धीरे धीरे गए। और जब ये गुफा के, उन्हें पता चला कि किसी एक गुफा में ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। गोस्वामी असॉल्ट टीम में सबसे आगे थे। उन्होंने आतंकियों को चुनौती दी। आतंकियों ने सामने से गोलियां दागनी शुरू कर दी, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा मिला, क्योंकि अब सैनिकों को यह समझ में आ गया कि जिस दिशा से गोलियां आ रही हैं, आतंकवादी वहीं पर छिपे हुए हैं। जवाबी फायरिंग शुरू की गई, ठीक उसी जगह को निशाना बनाकर एक आतंकी वहीं ढेर हो गया। कुछ देर की गोलीबारी के बाद आवाजें बंद हो गई, लेकिन जिन गुफाओं में आतंकी छिपे थे वो बहुत खतरनाक थी। पत्थरों और पेड़ों के बीच उन्हें छिपने की बहुत जगह थी। कमांडोज चारों दिशाओं में फैल गए और गुफा को घेर कर एम्बुश पोजीशन ले लिया ताकि आतंकी भागने न पाए। ये इंतजार लंबा चला। दोपहर से शाम हुई, शाम से रात, और आखिरकार दांव कामयाब हुआ। जब हमारा शाम का स्टैंड टू हो जाता है और जब अंधेरा पड़ता है तो हमारी पूरी जो पोस्ट है वो बहुत चौकस रहती है, और रात के समय वो हमेशा देखते रहते हैं कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। ऐसे ही रात को कोई आवाज़ आई, और जब आवाज़ आई तो उन्होंने सीधी गोली चलाई और पूरा जो चार पांच पोस्ट थी उन्होंने पूरा अपना वेपन्स खोले और बिल्कुल गोली, सब जगह गोली चलने लगी और उसमें आतंकवादी। पहला आतंकी ढेर हो चुका था। असॉल्ट टीम ने अपने एम्बुश पोजीशन को और टाइट कर लिया और फिर इंतजार करने लगे। उस रात बारिश भी हुई। 9000 फीट की उस ऊंचाई पर अच्छी खासी ठंड थी। सबसे बड़ी बात एम्बुश में ये होता है कि किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप उस जगह में बैठे हैं। तो एकदम शांत, बिना हिले हुए, बिना कोई इंडिकेशन दिए हुए कि आप इस जगह में हो सकते हैं। सुबह की पहली रोशनी होते ही कमांडोज ने हाथों के इशारे से बात की और असॉल्ट टीम आगे की ओर बढ़ी, लेकिन चंद कदम लेते ही उनके ऊपर गोलियों की बौछार आई। चट्टानों से टकराकर गोलियां इधर उधर छिटक रही थी। आतंकियों ने गुफा के भीतर से ग्रेनेड भी फेंके। कमांडोज ने चट्टानों की ओर लेते हुए आक्रमण की दिशा में जवाबी फायर किया। निशाना सटीक लगा था। दूसरे ओर की खामोशी बता रही थी कि एक और आतंकी ढेर हो गया है। अब दो दो लोगों की दो टीमें गुफा के मुंह की ओर बढ़ी। लांस नायक गोस्वामी ने एक चट्टान के पीछे कवर फायर पोजीशन ली और एडवांस टीम ने गुफा के भीतर चिली ग्रेनेड फेंका।
ये नॉन लीथल ग्रेनेड हैं, ये किसी भी क्राउड को या मॉब को जब डिस्पर्स करना है, जहाँ जिनको आप क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ उनको एक वार्निंग की तरह करना चाहते हैं। गुफा के बाहर से कमांडोज ने आवाज लगाई, अपने हथियार फेंक दो और बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे। कुछ देर तो खामोशी रही, लेकिन उसके बाद हाथ ऊपर उठाए हुए एक आतंकवादी बाहर चलकर पहुंच गया। यह 27 अगस्त की सुबह की बात थी। लश्कर के 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे और एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया। जिंदा पकड़ा गया आतंकी पाकिस्तानी था, लश्कर का सज्जाद अहमद, जिससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। छह दिन बाद 2 सितंबर को कुपवाड़ा में हाफरूदा के जंगलों में एक और ऑपरेशन की बारी थी। 6 पैरा की 2 टीमों को भोर से ठीक पहले उस इलाके में इंसर्ट कर दिया गया। लगातार 2 ऑपरेशन के बावजूद गोस्वामी नए मिशन के लिए उत्सुक थे। बताया गया कि इलाके में 1-2 नहीं, कई आतंकी छिपे हुए हैं। एक और इंसिडेंट हुआ, इस बार वो कोऑर्डिनेट सर्च में नहीं था बल्कि घात लगा के था, तो एक एम्बुश पार्टी का सदस्य था। जब आप बारामले से नॉर्दर्न दिल्ली सेक्टर जाते हो तो कुपवाड़ा आता है रास्ते में, तो कुपवाड़ा में बहुत घने जंगल है, इसीलिए वहाँ हमेशा जो आतंकवादी है सबसे ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो कुपवाड़ा के एरिया से होता है। वहाँ जंगल इतना घना है कि अगर आप कई जगह कि अगर आप रुके हो तो आपके सामने भी आदमी गुजर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। जंगल इतना घना था कि सघन सर्च ऑपरेशन चलते चलते अंधेरा घिराया था। रात के करीब 8 बजे थे जब कमांडोज ने लगभग 100 मीटर दूर कुछ हलचल महसूस की। इशारे से एक दूसरे को सतर्क कर दिया, लेकिन आतंकी उनको देख चुके थे और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए सबने कवर ले लिया। जब किसी जगह आतंकवादी घुस पड़े घुस गए ऐसे हमें पता चलता है तो उस एरिया को कॉर्डन करना बहुत महत्व होता है इसलिए जहाँ जहाँ से कुछ भी अंदर अप्रोचेस हो तो उनको बंद करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे अप्रोचेस सिर्फ वहाँ जाकर बैठकर नहीं लेकिन बाजू से भी, जिसे जहाँ से वहाँ आपको वहाँ देख सके, और देखना भी नहीं, जहाँ से आप वहाँ बिल्कुल एक्यूरेट फायर ला सके, ऐसी जगह पर जाकर पूरा घेरा डाला जाता है और ये कॉर्डन वही सक्सेसफुल होता है जो कोई भी अंदर से आतंकवादी कहीं भी चले तो किसी न किसी निशाने पर किसी न किसी गोली का वो निशाना बचे। कवर लेते हुए कमांडोज को अब आतंकियों के छिपने की जगह का अंदाजा लग गया था। इतना साफ था कि वो ऊंचाई पर थे। लास्ट टाइम गोस्वामी के टुकड़े ने वहां एक अंबुश लगाया था और वो अंबुश 2 आतंकवादियों ने देख लिया था। उन्होंने उन पर एक ग्रेनेड फेंकी और वो ग्रेनेड की स्प्लिंटर से गोस्वामी के 2 लोग घायल हो गए थे। उनको वहाँ से निकालना बहुत जरूरी था ताकि आतंकवादी उन पर और कोई फायर ना करें। उनको निकालने के लिए एक 3 लोगों को जब भेज दिया गया तब मोहन गोस्वामी ने उनको कवरिंग फायर देने के लिए उसको बताया था। जब वो कवरिंग फायर दे रहा था तो उसने एक आतंकवादियों को बिल्कुल गोली से मार गिराया। लेकिन तभी एक गोली गोस्वामी के उन साथी को जा लगी जो घायल जवानों को निकाल रहे थे। लांस नायक गोस्वामी ने गोली की दिशा में जवाबी फायरिंग की और एक और आतंकी को ढेर कर दिया। लांस नायक गोस्वामी को उस समय जैसे एक ही लक्ष्य नजर आ रहा था, सामने मौजूद एक एक आतंकी का खात्मा। उन्होंने वापस निशाना साधा लेकिन उन्हें फिर एक गोली लगी, इस बार पेट में। फिर भी वो अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे और आखिरी आतंकी भी ढेर करके ही दम लिया। अब तक सुबह के 3 बज गए थे, एनकाउंटर पूरा हो चुका था।
गोस्वामी के साथियों ने उन्हें उठाया और पहाड़ से उतरते हुए सड़क की ओर लेकर भागे जहां एम्बुलेंस खड़ी थी। लेकिन तब तक लांस नायक मोहनलाल गोस्वामी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके थे। लांस नायक मोहनलाल गोस्वामी ने 11 दिनों में 10 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। इसके लिए उन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।